तो कोई भी नेता और जनप्रतिनिधि यहाँ पर स्टार के परिवार सम्मेलन नहीं पहुंचा अभी तक। हालांकि सीएम रघुवर दास ने कांकेर में शहीद हुए झारखंड के लाल की शहादत को सलाम किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद और नक्सलवाद पर कांग्रेस के रवैये की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस अफसपा और देशद्रोह जैसे कानून को हटाने की बात कर रही है जो बेहद निंदनीय है। चाहे सैनिक बल हो चाहे पुलिस के जवान हो, हमेशा देश की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा के लिए हमेशा कुर्बानी दी है, तो शहीद को मेरी सलाम। और अब देश को ये समझना चाहिए, देश के लोगों को, जिस तरह कांग्रेस पार्टी जहाँ एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आतंकवाद और उग्रवाद समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है, और दिशा में निरंतर भारत सरकार के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के द्वारा उग्रवाद समाप्ति की ओर अगर झारखंड को देखें तो उग्रवाद समाप्त अंतिम दौर पर है। और इसी तरह आपने देखा होगा 3 महीना पहले ये जो अर्बन नक्सल है हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की हत्या की षड्यंत्र रचित है, और जिसमें 4 लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गिरफ्तार भी किया था, वो लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दिया उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह कांग्रेस के घोषणा पत्र में हम देखें कि देशद्रोह का मुकदमा का वापस करना, ये कहीं न कहीं इस देश में आतंकवाद और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाला घोषणा पत्र है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। और देश किसी कीमत पर अब देश को बंटने या देश में अराजकता का माहौल लाने नहीं।